हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है कि वो पक्के घाटों पर ही स्नान करें, साथ ही गहरे पानी में ना जाएं और बैरिकेडिंग के अंदर रहकर ही गंगा स्नान करें। इसके लिए पुलिस प्रशासन दिन रात मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके बाद भी यदि कोई श्रद्धालु गहरे पानी में पहुंच जाता है तो रेस्क्यू करने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। हमारे यहाँ 6 नाव हैं, 2 प्लाटून हैं हमारे, उसमें जो है रेस्क्यू चल रहा है। ये जो श्रद्धालुओं ने समझ जा रहा है कि अंदर ना घुसे, आरक्षी गौतम कुमार है और हमारे 8 बटालियन PSC बरेली का बाड़ा दल जो कि खलनायक श्री सुरेंद्र कुमार के हमारा 2 प्लाटून है, यहाँ पे हमारी 6 टीम रेस्क्यू कर रही है। हमारे द्वारा सभी श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि कृपया बैरिकेडिंग के अंदर ही नहाएं, आगे ज़्यादा गहरा पानी है और उनको हम बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर ही नहाएं। हमारी यही टीम रेस्क्यू कर रही है, हमारी 6 नाव चल रही है। हमारी हर नाव पे 6-6 लोग होते हैं और यही हम श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं कि देख रेख कर रहे हैं उनकी, कृपया अंदर ना नहाएं, अंदर बाहर जहाँ पर बैरिकेड की हुई है वहीं पर नहाएं। मिली जानकारी के अनुसार गढ़ में करीब 40 गोताखोर और वॉलंटियर तैनात हैं। वहीं लगातार घोषणा की जा रही है कि पक्के घाटों पर स्नान करें और गहरे पानी में न जाएं। गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है।